dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 167 and we are going to talk about that how we can consider what's motivating the behavior when we talk about motivating the behavior remember there are certain triggers which can make us motivating and there are certain aspects just make demotivating the reaction ke par show kar sakte hain. Se yaad ke when we are dealing with passive aggressive Colleagues or passive aggressive followers, there are certain things that we need to understand, and these are the things which are the guiding principles for us to develop our, our behavior. For example, when we are talking about motivating behavior, the first thing that we have to understand is. ट लैकिंग द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर मे रिजल्ट इन पैसिव एग्रेसिव बेहेवियर अगर हम कम्युनिकेशन के तमामतर एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे दट वी हैव टू गो फॉर एक्टिव लिसनिंग वी हैव टू गो फॉर कैलकुलेटिंग अवर वर्ड्स एंड देर मीनिंग्स एंड वी हैव टू कम अप

सो so, आपको इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि कहीं वो डिसफंक्शनल वो कंफ्लिक ना कर ले और आपका जो रिएक्शन है लोगों के पैसिव बिहेवियर के साथ वो पॉजिटिवली डेमस्ट्रेट हो और पॉजिटिवली डेवलप हो बिकॉज जब तक आप अपने आप को कंट्रोल्ड और काम फैशन में रिएक्शन में लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप एक हेल्दी कंफ्लिक्ट को इवॉल्व वो कर सकें द थर्ड पॉइंट Which we have to understand that passive aggressive behavior is a way to demonstrate self preference. So, you understand that ke reactions are defensive and preference preferences, ko, apne point of view, your angle ko explain. Wo karna so, that is the reason that they are trying to be aggressive in their conduct, in their reactions. So, we have to understand these normal phenomena. The fourth aspect we need to understand that passive aggressive behavior.

हो सकता है कि माजी में कहीं वैसा ही बर्ताव वो आपने खुद भी किया हो और अब आपको उसको करेक्ट करने की ज़रूरत ज़रूरत है है अब आप उसको अफ़र्मेटिव एक्शन में लेकर आने की जरूरत है, ताके लोग आपके उस बर्ताव को भी करें, उसकी कोशिश करें लास्ट द लीस्ट पॉइंट रिमेंबर इन दैट ऑल्सो अंदाज हमारा बयान हमारा अल्फ हमारे जज्बात भी ऐसे हो सकते हैं कि जिससे कि दूसरों के एहसास वो मजरू हों तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम अपने खाम ख्याली के अंदर कहीं हम अपने रद्दमल के तौर पर दूसरे के जो एहसास हैं उनको खराब ना कर बैठें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोटिवेटिंग बिहेवियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें कि आप दूसरों के लिए एक मुस्बत वेव क्रिएट करें एक मुस्बत पैगाम क्रिएट करें जिससे कि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि उनके रिएक्शंस कहाँ पर गलत थे कहाँ पर उनको करेक्शन की ज़रूरत है और कहाँ पर आपका बर्ताव उनके लिए राह वो बन सके माई डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि हमारी मोटिवेशन बेसिकली हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की है और हम अपनी इस इमोशनल इंटेलिजेंस की डेमोन्स्ट्रेशन से दूसरों के बर्ताव दूसरों के अमल को वो करेक्ट कर सकते हैं सो वी हैव टू बी ऑलवेज ट्राइंग टू बी मोटिवेटेड थैंक यू वेरी मच